पिछले टर्न पर अपन ने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ये हमारे भाई साहब ने करी थी, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, आरीबा सर में इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। किसकी खोज करी थी? इस एंटीबायोटिक दवाई की खोज करी थी जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है ये क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब देखो, मैंने इसके बारे में डिटेल बता दी थी, ठीक है। पेनिसिलिन में मैं अगर बात करें पेनिसिलिन की, तो ये देखो, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर क्या होता था कि ये जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे वो जाया करते थे, यूएसए वगैरह के जो सोल्जर्स थे वो जाते थे, तो चढ़ते थे पहाड़ वगैरह, चढ़ते थे, ठीक है। और जो है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था, है ना, तो कैसे पहाड़ वगैरह चढ़ करके, एलओसी वगैरह जो होती है, ठीक है, जो लाइन होती है, ठीक है, बॉर्डर्स जो होते हैं उनको क्रॉस करते थे, ठीक है, छुप छुप के। तो क्या होता था, कई बार इनको चोट लग जाती थी, इन सोल्जर्स को क्या लग जाती थी? चोट लग जाती थी, ठीक है। तो जब चोट लग जाती थी, चोट को क्या कहते हैं अपन? घाव हो जाना, ठीक है। चोट को अपन क्या कहते हैं? घाव हो जाना। तो बहुत ज्यादा घाव हो जाता था इनको, कहो, ठीक है, या इनको कि क्लॉट हो जाता था, ठीक है, चोट लग जाती थी यहाँ पर, है ना। तो लोग जो है, जो सोल्जर्स थे, घाव लगने के बाद क्या होता था, वो घाव फैलता चले जाता था, और फिर जो है, फिर उसकी डेथ हो जाती थी सोल्जर्स की, ठीक है। सोल्जर की डायरेक्ट क्या होती थी? डेथ होती थी। ऐसा देखा गया कि सोल्जर्स जो है गोलियों से नहीं मर रहे, सोल्जर्स जो थे गोलियों से कम मर रहे हैं, ठीक है, घाव लग जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हो आपको कि है ना, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, और है ना, बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं, ठीक है, तो छुप छुप के। तो ऐसा देखा गया कि वो जो सोल्जर्स थे गोलियों से कम मर रहे थे और घाव से जो है ज्यादा मर रहे थे, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि भाई अगर चोट लग गई है तो भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दो जल्दी से जल्दी, घाव लग गया तो, अगर लोहे वगैरह की, है ना, क्यों? क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन फैलता जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलता जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था कि भैया घाव घाव हो जा रहा था, ठीक है, घाव हो जा रहा था, स्किन स्किन जो है छिल जा रही थी, ठीक है, स्किन छिल जा रही थी, घाव हो जा रहा था, चोट लग जाती थी, ठीक है। तो स्किन की ऊपर लेयर जो थी, स्किन की जो ऊपर लेयर जो थी, ऊपर वाली, वो अगर छिल जाएगी तो क्या होगा? आसपास आपको पता है क्या है आसपास? बढ़िया, बैक्टीरिया तो इसी में ही घूम रहे हैं। बैक्टीरिया जो है हवा में इसलिए घूम रहे हैं कि कैसी भी करके बॉडी में एंट्री ले लें, ठीक है। तो घाव जो होती है, चोट जो होती है, वहां वो एक बहुत आसान रास्ता हो जाता है बैक्टीरिया को अंदर घुसने के लिए। किसको घुसने के लिए? बैक्टीरिया को अंदर घुसने के लिए। तो बैक्टीरिया जो है वहां पर अंदर जो है घाव में घुस जाता था और पूरे जो है डिवाइड करके पूरी जो है बॉडी में फैल जाता था, ठीक है, अंदर जो है चला जाता था, और फिर जो है उससे क्या होती थी? सोल्जर की डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तो भाई बहुत लोग ऐसे ही मर गए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी पहले बहुत लोग मर गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पेनिसिलिन की खोज हो गई थी, ठीक है। तो ये भाई रामबाण इलाज था, वहां पर कुछ भी दवाई काम नहीं करती थी ना, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देते थे, चोट लग गई कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया जाता था, ठीक है, उस वक्त इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल थी। तो हाल जहां सोल्जर को जहां पर भी चोट लगी हो, इंजेक्शन लगा देता था, उससे लाखों सोल्जर्स बच गए, लाखों जो सेना थी, ठीक है, वो बच गई, ठीक है। किसने बचाई, किसने वो मदद करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काफी सोल्जरों की जो है मदद करी, ठीक है, उसने पेनिसिलिन डिस्कवर करी। तो जब भी चोट लग जाती थी तो है ना क्या लगा दिया जाता था? पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता था, ठीक है। इंजेक्शन से क्या होता था? इन्फेक्शन नहीं फैलता था पूरी बॉडी में, और सोल्जर्स जो थे उनकी जान बच जाती थी, ठीक है। देखो, आप जानते होंगे कि भाई ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या किया? गेहूं ली, ठीक है, गेहूं, ग्रीट, वीट, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है, और बार्ली, ठीक है, ठीक है, क्या ली मैंने? वीट, ग्रेप्स और बार्ली, ठीक है। वीट तो जानते ही हो, ठीक है, क्या होता है? गेहूं, ठीक है, ग्रेप्स आप जानते हो, ठीक है, और बार्ली, ये तीनों चीजें ली। कोई भी आप ले सकते हो, एक चीज ले लो,
ठीक है, इन तीनों चीजों में क्या होती है, ग्लूकोज होती है। क्या होती है जानते हो बेटा, ग्रेप्स में क्या होगा, ग्लूकोज होगी, वीट में ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो ये वीट क्यों खाते हैं अपन, वीट क्यों खाते हैं, इसलिए तो खाते हैं ताकि अपन को ग्लूकोज मिल सके। और ग्लूकोज से क्या मिलेगी, ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज से क्या मिलेगी अपन को, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये 11th में प्रोसेस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आपने, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ठीक है, वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें टूटता है बताओ, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनती है इससे, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी। ठीक है, और क्या मिलता है, CO2 और वाटर मिलता है, CO2 और वाटर। ये प्रोसेस बेटा अपने अपने अंदर होता है, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस जनरली अपने अंदर होता है, ग्लूकोज टूटा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उससे क्या मिलेगी हमें, एनर्जी मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी हमें, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो जनरल प्रोसेस है कि भैया ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो एनर्जी मिलती है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर। देखो अपने अंदर क्या होता है, अपने अंदर जो है खाना खा लिया, ठीक है, अपन ने गेहूं खाया बेटा, गेहूं, ठीक है, गेहूं खाया, तो गेहूं खाया यानी गेहूं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, गेहूं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज अंदर जो है, अंदर रहता है ग्लूकोज। फिर हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं। ठीक है, बाहर से अपन ने क्या ली, ऑक्सीजन ली। ठीक है, सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली, फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो है अपन क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और पानी बनता है बेटा अंदर, अंदर पानी बनता है, वो तो यूज हो जाता है। ठीक है, और जो है क्या, CO2 बनती है तो CO2 हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो बेटा ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे अपन क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्या इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। अब क्या कर रहे हैं, सुनना ढंग से, वीट, ग्रेप्स, बार्ली, इनमें से कोई भी आप चीज ले लो। ठीक है, अपन एल्कोहल बना रहे हैं, एल्कोहल, ठीक है, वीट, ग्रेप्स या बार्ली, इनमें से कोई भी चीज ले लो, तीनों की तीनों ग्लूकोज सोर्स है, यानी भर 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 के इनके अंदर ग्लूकोज होता है, वीट के अंदर भी ग्लूकोज होता है, ग्रेप्स के अंदर भी और बार्ली के अंदर भी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है, सुनना, ये जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ये इसको ईस्ट तोड़ेगी। ठीक है, इनमें क्या डाल दो आप, ईस्ट, ईस्ट जो है डाल दो। ठीक है, वीट में, ग्रेप्स में या बार्ली में क्या डाल दो आप, ईस्ट डाल दो। ठीक है, ईस्ट क्या होती है, एक फंगस होती है। ईस्ट क्या होती है बेटा, एक एक प्रकार की फंगस है, सुनना ढंग से, ईस्ट एक एक प्रकार की फंगस है। ठीक है, तो ईस्ट जो होगी वो क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब इस बात को ध्यान रखना, ये है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ईस्ट को। ठीक है, अगर ईस्ट को ऑक्सीजन मिलता तो बेटा वो किस में तोड़ती, एनर्जी CO2 और वाटर में तोड़ती। ठीक है, CO2 और वाटर में तोड़ती और उससे कुछ एनर्जी बनती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ईस्ट को हमने क्या नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, मतलब अपन ने क्या किया, वीट डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिया, बार्ली डाल दी, सुनना ढंग से, वीट ले लिया, ग्रेप्स डाल दी, बार्ली डाल दी, और उसको ढक दिया बेटा, क्या कर दिया, उसको कंटेनर में को ढक दिया, इसके अंदर वीट ली अपन ने, देखो अपन ने इसमें भर वीट ली बहुत सारी, या ग्रेप्स ले लो जो तुम्हारी इच्छा है वो ले लो, और फिर ईस्ट इसके अंदर डाल दो बेटा भर के, क्या डाल दोगे इसके अंदर, ईस्ट डाल देना, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डाल दिया और इस कंटेनर को ढक देना फिर। ठीक है, इस कंटेनर को क्या कर दोगे, ऐसे ढक देना। ठीक है, उससे क्या होगा, ढकने से क्या, ढक्कन क्यों लगाए, ढक्कन इसलिए लगाओ क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी बेटा फिर, क्या नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, आ रही बात समय में, इसलिए इसको ढक देना इस कंटेनर को। ठीक है, और फिर क्या होगा, ईस्ट अपनी रिएक्शन चालू करेगी, जिसे अपन कहेंगे फर्मेंटेशन, ईस्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसे अपन कहेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस करके, ठीक है, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा बेटा, अल्कोहल, जिसे अपन कहते हैं इथेनॉल, अल्कोहल को अपन क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इथेनॉल। फॉर्मूला है इथेनॉल का C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा इथेनॉल का। ठीक है, या फिर अल्कोहल का या दारू का बेटा, ये तो समझ ही जाओगे बेटा, है ना। और CO2 रिलीज हो जाती है, क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज हो जाती है यहाँ से। ठीक है, ढक्कन खोलोगे तो CO2 अपने आप रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हमेशा बंद कंटेनर में करना, ये हमेशा ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तुमने ये देखा होगा, तुमने जब अपन ब्रेड वगैरह बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, है ना, मम्मी जब भटूरे बनाती हैं तो मम्मी क्या करती हैं, आटा वगैरह जो है गूंदती हैं, है ना, मतलब आटा नहीं कहोगे आप, जो है मैदा कहोगे, मैदा गूंदती हैं। ठीक है, मैदा गूंदने के बाद मम्मी क्या करती हैं, तुमने देखा होगा, मम्मी ने मैदा पहले तो गूंद लिया, है ना, मैदा गूंद लिया, उसके अंदर ईस्ट भी डाल दी बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके अंदर ये ईस्ट भी डाल दी। ठीक है, और फिर मम्मी क्या करती है, याद करो, मम्मी इस कंटेनर को ढक देती है कपड़े से।
कभी देखा है भटूरों के आटे को कभी, है ना, या फिर कपड़े से या फिर जो है किसे थाली में से ढक देती है मम्मी, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, जो अंदर की जो ईस्ट है, जो अंदर की ईस्ट है वो क्या करेगी, अंदर की ईस्ट करेगी फर्मेंटेशन, ठीक है, और जब फर्मेंटेशन करेगी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या रिलीज होगा, CO2 वगैरह रिलीज ज्यादा होगा, क्या होगा, CO2 रिलीज ज्यादा होगा, और फिर जो है उससे क्या होगा, CO2 रिलीज जो है, जब CO2 रिलीज ज्यादा होगा तो भटूरे जो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो गए, भटूरे कैसे बनेंगे, भटूरा हुआ, ब्रेड जो बनेगी इससे सॉफ्ट बनेगी बेटा, क्या बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, क्लियर है ये बात, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई है, ये बात ध्यान रखना, और फर्मेंटेशन प्रोसेस हमेशा क्या होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है, ये बात ध्यान रखना, आप ईस्ट को ऑक्सीजन मत देना, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। अब सुनो, अब जो ईस्ट से अपन क्या कर, ईस्ट जो है वो ग्लूकोज से क्या बना रही है, ग्लूकोज से अपना इथेनॉल बना रही है, ग्लूकोज से क्या बना रही है, अपना इथेनॉल बना रही है, तो एल्कोहल बना रही है, ठीक है, तो अब ये ईस्ट जो है ये फंगस है, और इस ईस्ट को अपन जो है, क्योंकि ये ईस्ट, सुनना ढंग से, क्योंकि ये ईस्ट जो है ये एल्कोहल बनाने के काम में आ रही है, ठीक है, एल्कोहल बनाने के काम में आ रही है, इसलिए इस ईस्ट को अपन कहेंगे ब्रूअर्स ईस्ट, क्या कहेंगे, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि ईस्ट जो है ब्रूअरी में काम आ रही है, ब्रूअरी मतलब जानते हो, जहां पर एल्कोहल बनती है ना, ठीक है, जहां पर एल्कोहल की इंडस्ट्री होती है उसे अपन कहते हैं ब्रूअरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ब्रूअरी, ठीक है, स्पेलिंग देख लो भाई, ब्रूअरी, ठीक है, ये ब्रूअरी वो होती जगह जगह होती है जो एल्कोहल की इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, जहां पर एल्कोहल बनता है, ठीक है, वो कहलाई जाती है ब्रूअरी, ठीक है, वो नहीं कह रहा मैं ठेके नहीं कह रहा एल्कोहल के, वो तो बेचते हैं वहां पर एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल को बेचते हैं, एल्कोहल जहां बनती है वहां पर उसे कहते हैं ब्रूअरी, ठीक है, तो जहां पर बनती है जो इंडस्ट्री है उसे ब्रूअरी कहते हैं, और जो ईस्ट इस्तेमाल होता है, जो ईस्ट इस्तेमाल होता है एल्कोहल बनाने में उसे कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और तुम्हें पता है कि ईस्ट जो होता है बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है बहुत ज्यादा, किसमें आता है, बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है, तो इसलिए जो है, इसलिए बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं ईस्ट को अपन, क्या नाम देख, मैंने आपको बताया था बेकिंग ईस्ट या बेकर्स ईस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट ज्यादा कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बेकर्स ईस्ट, ठीक है, बेकर्स ईस्ट, क्योंकि ये बेकरी वगैरह जो होती है ना उसमें जो है इस्तेमाल होती है, केक वगैरह बनाने में, ठीक है, केक वगैरह बनाने में और आपका ब्रेड बनाने में, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, केक को ब्रेक कर, बेक करने में, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। देखो तो घर में जो है एल्कोहल, ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में ही एल्कोहल बनती है, ठीक है, घर में क्यों नहीं बन पाती है एल्कोहल, ठीक है, ईस्ट भी है हमारे पास, ये वीट भी है, ग्रेप्स भी है, सब कुछ सामग्री है, ठीक है, ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज का सोर्स भी है, वीट, ग्रेप्स, बार्ली, ईस्ट भी है, ठीक है, कंटेनर भी है, सब कुछ है, लेकिन घर पर फिर भी नहीं बना पाते ढंग की दारू, क्या रीजन रह जाता है, क्या क्या रीजन है, इस बात को समझना। देखो जो घर में जो एल्कोहल बनेगा, जो घर में जो एल्कोहल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बना सकते हो आप एल्कोहल, लेकिन वो जो एल्कोहल बनेगी घर में, ठीक है, वो उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी वो होगी लगभग लगभग 8% से लेकर 15% तक, क्या घर में जो आप एल्कोहल बनाओगे उसकी कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, 8% से लेकर 15% तक आप बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते घर में आप एल्कोहल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी यानी गाढ़ापन 8 से लेकर 15%, सर 8 से लेकर 15% के बीच का क्या मैं 13% मान लू, 8 और 15 के बीच का क्या होगा, लगभग लगभग 13%, यानी 13% गाढ़ी एल्कोहल आप बना पा रहे हो, मान के चलो 13% गाढ़ी एल्कोहल बना पा रहे हो, यानी 13% उसमें एल्कोहल है, बाकी 100 में से 13 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 100 में से 13 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 87, यानी 87% उसमें पानी होगा, ठीक है, और एल्कोहल कितनी परसेंट है, 13%, ठीक है, आपने इस तरीके से घर में आपने वीट ली, ठीक है, घर में आपने वीट ली, क्रश व्रश करा, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ ईस्ट वीस्ट डाल दिया बढ़िया तरीके से, उसको ढक भी दिया कंटेनर को, लेकिन फिर भी आप जो है ईस्ट की हेल्प से आप 13% ही गाढ़ी एल्कोहल बना पाए, बाकी जो एल्कोहल बनी उसमें पानी था, मॉइस्चर था और कुछ नहीं था, पानी था और मॉइस्चर था और कुछ नहीं था, आ रही समझ में, तो बेटा ऐसी एल्कोहल पीना का क्या मजा है, ऐसी एल्कोहल पीने में मजा ही नहीं आपको, कि
कि बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी, मजा ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा ढंग का, ठीक है, तो ना आपको ना टेस्ट आएगा ना चढ़ेगी बेटा दिमाग पर वो एल्कोहल, ठीक है, बिल्कुल जो है बिल्कुल एल्कोहल जो है ये तो ऐसा ही हो गया कि जरा सी एल्कोहल ली और भर के पानी डाल दे कोई, ठीक है, तो मजा नहीं आता ना। कुछ लोग तो बेटा नीट पीते हैं, नीट है ना, बिल्कुल नीट चाहिए भैया हमें तो, हम तो पानी पीते ही नहीं है, क्या होता है पानी, हम डालते ही नहीं है पानी अल्कोहल में, नीट पीते हैं, तो फिर बेटा ये कैसे उनको कैसे चढ़ती नीट है, उनको पानी से चढ़ती नहीं है उनको, है ना अल्कोहल, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों को फिर आप कैसे आप अल्कोहल दे सकते हो, नहीं दे सकते, ठीक है, फिर वो मजा नहीं आएगा अल्कोहल बनाने में, कोई पिएगा ही नहीं उस अल्कोहल को, ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज काय के लिए होती है, इंडस्ट्रीज इसलिए ही होती हैं कि ये जो 13% अल्कोहल है, ये जो 13% अल्कोहल हमें मिला है, इसको हम जो है 100%, ठीक है, प्योर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, 100 नहीं तो 99% प्योर अल्कोहल में जो है कन्वर्ट कर दें उस अल्कोहल को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 100% जो है अल्कोहल में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, ठीक है, आ रही बात समझ में, इंडस्ट्रीज जो क्या करती है, इंडस्ट्रीज जो होती है ऐसा ही कुछ करती है कि ये जो 13% अल्कोहल होता है उसको 100% गाढ़े अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, कैसे, सारा का सारा पानी उड़ा देती है बेटा, सारा का सारा पानी जो है उड़ा देती है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, क्या कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिस्टिलेशन बेटा डिस्टिलेशन ये इंडस्ट्रीज में होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे चीजों को गाढ़ा किया जाता है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्टिलेशन से क्या होता है, अल्कोहल को गाढ़ा किया जाता है, कंसंट्रेटेड किया जाता है, गाढ़ा कंसंट्रेटेड किया जाता है, प्योर बनाया जाता है, उसमें से पानी को उड़ाया जाता है, ठीक है, उसमें से पानी को उड़ाया जाता है, वो कहलाया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, पतले अल्कोहल को गाढ़े अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही डिस्टिलेशन है, और डिस्टिलेशन जो होता है इंडस्ट्रीज में होता है, और इंडस्ट्रीज में भी बड़े बड़े कंटेनरों में, ठीक है, छोटे छोटे ये पतीलों में नहीं होता, इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं, उनके अंदर जो होता है ये डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, सुनना, ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में, तुम्हारे पास क्या था, 13% अल्कोहल था, 87% वाटर था, क्या था, 87% पानी था, 13% अल्कोहल था इसमें, तो बेटा तुम कहोगे कि ये ना यार मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट अल्कोहल है ना, पानी ज्यादा है, ठीक है, अल्कोहल कम है, पानी ज्यादा है अल्कोहल कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इस बात को समझना, जब आप इसको हीट करोगे, जब आप क्या करोगे इसको हीट करोगे, जब आप इसको ऐसे हीट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो अल्कोहल होगी वो पहले, आपकी अल्कोहल जो होगी पहले उड़ जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, आपकी अल्कोहल जो होगी पहले उड़ जाएगी बेटा, आपकी अल्कोहल जो होगी वो पहले ही यहां पर आ जाएगी, ठीक है, पानी पानी रह जाएगा नीचे, पानी रह जाएगा नीचे, और आपकी अल्कोहल जो है आ जाएगी ऊपर, ठीक है, ये ब्लू कलर का पानी है बेटा, ब्लू है पानी, पानी सब जानते हैं बेटा, है ना, ब्लू है पानी, पानी, और अल्कोहल ये पिंक कलर की है, जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा क्या करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो अल्कोहल ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है, अल्कोहल भाप बन जाएगी, ठीक है, अल्कोहल भाप बन जाएगी और पानी जो है नीचे रह जाएगा, ठीक है, अपन तो फिर सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्री में क्या करेंगे, इस भाप वाली अल्कोहल से, इस भाप वाली अल्कोहल को जो है, भाप वाली अल्कोहल को जो है ले लिया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भाप वाली अल्कोहल को, ठीक है, इससे क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा इस तरीके से, और अल्कोहल अलग हो जाएगी, पानी अलग अल्कोहल अलग, ठीक है, पानी अलग हो जाएगी अल्कोहल अलग हो जाएगी, आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से प्रोसेस होगा ये, ठीक है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, कोई पूछे ना तो ये यही प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन एक्चुअल में, ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है बेटा, ये क्या है पानी, ठीक है, ये क्या है पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, ये पानी और अल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है, और उस फिर क्या होगा, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर होगा, अपन उसको हीट करेंगे तो अल्कोहल ऊपर चढ़ जाएगा, अल्कोहल ऊपर आ जाएगा और जो है उसको अपन कंटेनर में ले लेंगे, भाप को ठंडा कर लेंगे, ठीक है, और अल्कोहल ले लेंगे, और पानी इधर अलग रह जाएगा, पानी अलग रह जाएगा, अल्कोहल अलग हो जाएगी, तो ऐसे करके जो है इंडस्ट्रीज में अपन इसको कर लेते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, घर में आपने ऐसा किया तो आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, आपको एक डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ेगी, या लेबोरेटरी में भी डिस्टिलेट हो जाएगा, ठीक है, उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक अपैरेटस होता है डिस्टिलेशन अपैरेटस, उसकी हेल्प से आप उसको कर सकते हो, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में काफी बड़ा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि जब अपन एल्कोहल और वाटर को मिक्सचर को बॉइल करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एल्कोहल पहले ही हवा में उड़ जाता है, ठीक है, तो एल्कोहल उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, और उसमें जो जो एल्कोहल जो होगा, ठीक है, एल्कोहल को अपन ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एल्कोहल वेपर्स के फॉर्म में, जो एल्कोहल के क्या बन गए वेपर्स, उस वेपर्स को अपन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जो है पानी जो होगा, पानी वाला कंटेनर जो है अलग रह जाएगा, पानी नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, जो कि इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, जो कि कहां पर होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात? अब सुनो, एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, देखो तुम्हें ये बात तुम्हें पता है कि एल्कोहल जो है जब इंडस्ट्रीज में बनती है ना, एल्कोहल जब इंडस्ट्रीज में बनती है तो बेटा वहां पर जो है कई मजदूर काम कर रहे होते हैं, है ना, एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल की इंडस्ट्री में, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो मजदूर खुद ही एल्कोहल बहुत सारी पी लें, है ना, कि पूरी एल्कोहल वो खुद ही पी लें, है ना, या फिर उनकी जो है और खुद पीते जा रहे हैं बढ़िया एल्कोहल, है ना, बढ़िया खुद ही, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, कि वो खुद ही क्यों नहीं टल्ली हो रहते, क्यों नहीं रहते, क्या उनका मन भर गया होता है, क्या ये कारण है कि भाई मन भर जाता है यार, ठीक है, फ्रूट जो बेचता है उसको फ्रूट वो नहीं खाता, उसका मन भर जाता है, जो चॉकलेट बेचता है उसका मन भर जाता है चॉकलेट से, ऐसा ऐसी रियलिटी नहीं है, ऐसी रियलिटी नहीं है उनके साथ, ठीक है बेटा, ये वो दारू है बेटा, समझ रहे हो उसको बात को, वो दारू है, उसका वो मन किसी का नहीं भरता उससे, समझना इस बात को। तो क्या होता है फिर, सुनना, कैसे बचाया जाए इस चीज को रोकने से, ऐसा फिर ये जो इंडस्ट्रीज के जो मालिक है, है ना, इंडस्ट्रीज के जो मालिक है उनको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, सारे उनके वर्कर ही दारू पी रहे हैं, टल्ली हो रहे हैं, बाढ़ देगा इंडस्ट्री, तो फिर क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एल्कोहल में ये लोग क्या मिला देते हैं, मिथेनॉल मिला देते हैं, मिथेनॉल, एल्कोहल जो होती है एल्कोहल होती है इथेनॉल, और ये क्या मिला देते हैं एल्कोहल में, ये मिक्स कर देते हैं मिथेनॉल, एल्कोहल में ये क्या मिक्स कर देते हैं मिथेनॉल, ठीक है बेटा, मिथेनॉल मिला देते हैं ये, ठीक है, मिथेनॉल मिला देते हैं जब 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 ठीक है, और जब मिथेनॉल मिला देते हैं उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज के वर्कर उसे पियेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ये बहुत खतरनाक होती है बेटा मिथेनॉल, मिथेनॉल जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आंखें जो है खराब हो सकती हैं, आंखें हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं, और जो है कई डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है, जनरली आंखें बिल्कुल खत्म हो सकती हैं, देखने की क्षमता बिल्कुल जा सकती है, ठीक है, मिथेनॉल से, ठीक है, तो फिर वो इसी वजह से जो है वर्कर पीता नहीं है, कहता भाड़ में मैं इसको इथेनॉल इसको पीऊं या मिथेनॉल पीऊं, तो तुम अक्सर वो यही कहते हैं यार ये जहरीली दारू है, ये जहरीली दारू, तो जहरीली दारू यही है बेटा, फिर कहोगे सर ये मिक्स कर देते हैं, तो सर फिर मिक्स होने के बाद फिर ये क्या होता है, थोड़ी सी डाल देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये मिथेनॉल को फिर अलग कर देते हैं, जब पैक होने वाली होती है ना दारू, जब पैक होने वाली होती है दारू, तब है ना उसको मिथेनॉल को अलग कर दिया जाता है, तब मिथेनॉल को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर सिर्फ प्योर इथेनॉल ही जो है पैक करके आपको देते हैं, तो आप टेंशन मत लें, आपकी जो दारू है उसके अंदर सिर्फ इथेनॉल है, मिथेनॉल नहीं है, ठीक है, ये आप उसकी टेंशन फ्री होकर के उसको ले सकते हैं, ठीक है, अपन को नहीं लेना, गंदी बात है, लेकिन फिर भी मतलब जो लोग पी रहे हैं उनको, उनके पास तो सिर्फ इथेनॉल ही पहुंच रहा है, क्योंकि पैक होने से पहले मिथेनॉल को हटा दिया जाता है उसमें से, ठीक है, जब तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ठीक है, जब तक सिर्फ इथेनॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, एक जगह से जैसे इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जा रही है, या जहां पर बनी है वहां से पैक होने वाली इंडस्ट्री में जा रही है कंटेनरों में, ठीक है, तो उसमें पहले ही मिथेनॉल डाल देते हैं कि इनकी जो है चोरी ना हो दारू की बीच में, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर चोरी ना हो जाए, या उसको कोई पी ना ले, एक बाल्टी पी ली, दो बाल्टी पी ली, है ना, तो बाल्टी पिएगा आदमी, एक एक पैक कौन लाएगा, बाल्टी पिएगा फिर तो फ्री का माल है ना, इसलिए पहले क्या कर देते हैं मिथेनॉल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, और फिर वो हाल आसान होता है मिथेनॉल और इथेनॉल को सेपरेट करना, जब जब वो जब उसको बोतल में जब भर रहे होते हैं उससे पहले ही मिथेनॉल को निकाल देते हैं, और अपन को सिर्फ और क्या मिलती है, प्योर इथेनॉल मिलती है, ये बात ध्यान में रखना। आपको उसमें जो है फर्मेंटेड बेवरेजेस जिसे कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है,
बेवरेजेस क्या होती है, बेवरेजेस होती है जैसे लिक्विड है ना, बेवरेजेस होती है लिक्विड, जैसे कोको कोला है, उसे जो है एक लिक्विड है जो बढ़िया ठंडक ठंडक देता है, ठीक है, वो बेवरेजेस होती है जो पीते हैं अपन, है ना। लेकिन ये वाली जो बेवरेजेस है एल्कोहल, ये है ना फर्मेंटेड बेवरेजेस कहलाई जाती है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जिसको है ना समझ लो, ये एक वो है बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है, बायोलॉजी वाले जो है एल्कोहल क्या कहेंगे, फर्मेंटेड बेवरेजेस कहेंगे आज से, ठीक है। तो ये मत कहना घर वाले समझ जाएंगे, आज चल रहा है क्या एल्कोहल पीने, ठीक है, तो घर वाले तो आज समझ जाएंगे, तो तुम लोग आज से क्या कहोगे, चल रहा है क्या फर्मेंटेड बेवरेजेस पीने, क्या कहोगे, फर्मेंटेड बेवरेजेस पीने, ठीक है। तो बेवरेजेस वो होती है पीने योग्य जो होती है चीजें, ठीक है, उन्हें बेवरेजेस कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो बेवरेजेस हैं इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दारू और कार्बन डाइऑक्साइड में, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और एक क्लोज कंटेनर में होता है जनरली ईस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है फर्मेंटेड बेवरेजेस या एल्कोहल, आज से आप एल्कोहल को फर्मेंटेड बेवरेजेस कहोगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज में बनती है, एक तो एल्कोहल बनती है इंडस्ट्रीज में, और दूसरी अपन ने पढ़ी पेनिसिलिन दवाई, याद है पेनिसिलिन, ठीक है, तो वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आती है, ठीक है, जो जिससे पहले पढ़ चुके हैं पेनिसिलिन दवाई, ठीक है, जो कल अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो है वो भी इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आती है, ठीक है, आरिया समय में। अब समझना इस बात को, इंडस्ट्रीज में जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जैसे ईस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ईस्ट को जो है अपन क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए कहते हैं। ईस्ट का नाम क्या है बेटा, एक्चुअल में रियल नेम क्या है ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, ठीक है, आरिया में ये इसका रियल नेम है, ठीक है। कई जगह आप जाओगे, ठीक है, चाइना वाइना या कई जो है दूसरी जगह चाहोगे जाओगे, कहोगे भैया ईस्ट ईस्ट कुछ कहोगे तो कहीं व्हाट आर यू सेइंग, नो 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 आई नॉट अंडरस्टैंड, या मतलब क्यों चिंग चांग चू कह देंगे, समझ आ रही है। जो कहीं दूसरी कंट्रीज में जाओगे ना आप, उससे कहोगे ईस्ट वीस्ट, ठीक है, इंग्लिश कंट्रीज में जाओगे तो चलो ईस्ट समझ जाएगा, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में जाओगे तो ईस्ट नहीं समझ पा रहा, ठीक है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं समझ में आ रहे तो आपको भगा देंगे, ठीक है, भगा देंगे, क्या जाने क्या कह रहा है, चिंग चौंग चू 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 कह भर के भगा देंगे, ठीक है। लेकिन उनको जब ये कहोगे सैक्रोमाइसिस सर्विस ये, ठीक है, ये बनाने में काम आता है एल्कोहल या ब्रेड, तो फिर वो समझेंगे साइंटिस्ट जो होंगे वहां के, ठीक है। आपको ये याद रखना है नाम इसका, ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस, सेक हेरोमाइसिस सर्विसिए, ठीक है, सेक हेरोमाइसिस सर्विसिए, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। चलो सेक्रोमाइसिस सर्विसिए काय के काम में आता है भाई, ठीक है, ये क्या के काम में आता है, ब्रेड मेकिंग के काम में आता है एक तो, ठीक है, और काय के काम में आता है, ठीक है, ब्रेड मेकिंग के काम में आता है, इसलिए उसे बेकर चीज कहते हैं सेक्रोमाइसिस सर्विसिए को, ठीक है। और जो है क्योंकि ये एल्कोहल बनाने के काम में आ रहा है इसलिए इसे ब्रूअर यीस्ट भी कहते हैं, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनो, किससे आपकी बुक में कैसे लिखा है, किससे बनता है एल्कोहल, आपकी बुक में क्या लिखा है, सीरियल से, ठीक है, सीरियल से मिलकर बनता है। तो आपको घबराना नहीं है, सर आप तो वीट और बार्ली कह रहे थे हैं, और यहाँ पर हमारी बुक में तो सीरियल्स लिखा है, तो ये टेंशन नहीं लेना, सीरियल्स का मतलब होता है बेटा अनाज, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, अनाज में क्या क्या आता है, गेहूं, ठीक है, जौ, ठीक है, जौ यानी बार्ली बेटा, बार्ली गेहूं, वो सब सारे के सारे किस में आता है, सीरियल्स में आता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सीरियल से मिलता है, या आप डायरेक्ट लिखो वीट या बार्ली से मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा फ्रूट जूसेस, सर फ्रूट जूसेस से ही बनता है क्या, हाँ ग्रेप्स के जूस से, किससे, ग्रेप्स के जूस से जो है आप इथेनॉल बना सकते हो, ठीक है, ग्रेप्स के जूस से भी आप क्या बना सकते हो, इथेनॉल को बना सकते हो, ठीक है। तो ग्रेप जूस जो है या फ्रूट जूस से भी आप क्या बना सकते हो, इथेनॉल बनाकर बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इस बात को समझना, एल्कोहल में सब आ जाता है, कुछ जो एल्कोहल में वाइन आती है, एल्कोहल में बियर आती है, एल्कोहल में ब्रांडी आती है, एल्कोहल में रम आती है, एल्कोहल में विस्की आती है, तो बहुत सारी चीजें आती है एल्कोहल में, ठीक है, सारी की सारी ये दारू कहलाती है, वाइन हुई, बियर हुई, ब्रांडी हुई, सब की सब दारू कहलाई जाती है, एल्कोहल कहलाई जाती है मतलब, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, वाइन कैसे बनती है, बियर कैसे बनती है, तो ये जो है डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हो, आप ले क्या रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेप्स लोगे तो कुछ अलग प्रकार का एल्कोहल बनेगी, ठीक है, ठीक है। अगर आप जो है वीट लोगे तो कुछ अलग प्रकार की एल्कोहल बनेगी, वाइन वगैरह कुछ, और अगर आप जो है
कुछ अलग लोग है, ठीक है, समझ रहे हो? तो अलग अलग चीज जो है, अल्कोहल क्यों बनती है, अलग अलग वाइन, अलग बियर, अलग अलग क्या है इसके अंदर? सेम प्रोसेस है, सब में ईस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, सब में फर्मेंटेशन होती है, बस अंतर क्या होता है कौन सी चीज आप ले रहे हो। आप ग्रेप्स ले रहे हो तो अलग अल्कोहल बनेगी, समझ रहे हो बात को? और अगर आप जो है वीट ले रहे हो तो अलग अल्कोहल बनेगी कुछ, और ऐसे आप अलग अलग बना सकते हो, ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, तो अब सुनना ढंग से देखो। अब अगर मैं बात करूं, देखो वाइन और जो बियर है, ठीक है, वाइन जो बियर है, अब इस बात को समझना, दो तरीके के वो प्रोसेस होते हैं तो जिसमें दो तरीके से अल्कोहल बन सकती है। एक तो विथाउट डिस्टिलेशन, एक तो बनती है विथाउट डिस्टिलेशन, और एक अल्कोहल बनती है विथ डिस्टिलेशन। आर यू सम में? दो तरीके से अल्कोहल बन सकती है, एक विथाउट डिस्टिलेशन, एक विथ डिस्टिलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो चार्ट ये देख रहे हो, ये आपका आएगा 100%, काफी चांसेस है इसको आने के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में, वन वर्ड के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन वर्ड नहीं, वन मार्क कह लो, है ना? तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, और एमसीक्यू में भी बहुत आते हैं। तो विथाउट डिस्टिलेशन कौन से बनते हैं, यानी बिना किसी डिस्टिलेशन के कौन सी एल्कोहल बनती है? तो बेटा वो बनती है वाइन और बियर। वाइन और बियर जो है बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के बनती है, जबकि बढ़िया पढ़ा है ना डिस्टिलेशन प्रोसेस, याद है ना, अभी पिछले प्रश्न पे ही पढ़ा डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, जिससे अल्कोहल और पानी को अलग किया जाता है ना, वो होता है प्रोसेस डिस्टिलेशन। ठीक है, तो वाइन और बियर क्या बनती है, बिना डिस्टिलेशन के बनती है, जबकि जबकि जो ब्रांडी है, रम है, विस्की है, ये विथ डिस्टिलेशन बनती है। क्या बनती है? विथ डिस्टिलेशन बनती है। इसलिए बेटा ब्रांडी में, रम में, विस्की में बेटा जो है अल्कोहल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। अल्कोहल की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो विथ डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन समझाया ना। अरे बेटा सुनो ना, डिस्टिलेशन के साथ हो रहा है ये, डिस्टिलेशन के साथ हो रहा है, यानी क्या हुआ होगा, इस अल्कोहल में से ज्यादा मात्रा में पानी को निकाल दिया गया होगा। ज्यादा मात्रा में क्या होगा? पानी को निकाल दिया गया होगा। ठीक है, तो ब्रांडी, रम वगैरह, बेटा ब्रांडी, रम और विस्की, इनमें ज्यादा एल्कोहल की कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, जब एज कंपेयर टू वाइन और बियर, है ना, वाइन और बियर में थोड़ी एल्कोहल की मात्रा कम होती है, ठीक है, उसमें पानी ज्यादा मिला होता है, क्योंकि बेटा क्योंकि विथाउट डिस्टिलेशन है ना बेटा, विथाउट डिस्टिलेशन है ना, तो थोड़ा पानी उसमें, या मतलब कम गाढ़ी होती है वाइन और बियर, लेकिन बेटा ब्रांडी, रम और विस्की, बेटा इनमें जो है ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? तो अब सर हम याद कैसे करेंगे विथ डिस्टिलेशन और विथाउट डिस्टिलेशन? अभी तो हमें याद है, बाद में जब पेपर आएगा तो कैसे याद रखोगे भाई? ऐसे याद रखोगे, सुनना, वाइन और बियर जो है, वाइन और बियर जो है, उसको कैसे याद रखोगे? जो बियर है बेटा, बियर जो है वाइन पी रहा है, ठीक है, बियर क्या पी रहा है? बियर जानते हो, भालू, समझ रहे ना, बियर कौन बेटा? भालू है ना, भालू। तो वो भालू क्या करेगा, ठीक है, वाइन पिएगा, क्या पिएगा? वाइन पिएगा। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता भालू कौन सा, सर कौन सा भालू, तो फिर ऐसे करके दिखाना पड़ता है, बड़ा भालू, ठीक है, बड़ा जो भालू होता है, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, तो जो भालू होता है वो क्या करता है, वाइन पी रहा है ना, ऐसे याद रखना, भालू पी रहा है वाइन, ठीक है, और वो जो वाइन है वो, अब मुझे बात बताओ, वाइन जो पिएगा वो क्या बियर जो है, अगर बियर वाइन पी रहा है तो क्या वो इंडस्ट्री में जाएगा क्या डिस्टिलेशन कराने? क्या इंडस्ट्री में जाएगा क्या डिस्टिलेशन कराने? नहीं जाएगा ना इंडस्ट्री में, तो ये क्या है, विथाउट डिस्टिलेशन बनेगी ये। ऐसे याद करना, ऐसे याद करने की टेक्निक है, ठीक है। तो वाइन जो जो बियर है वो क्या पी रहा है, वाइन, और वो जो वाइन वो जो बनाई उसने, वो जो वाइन लेके आया उसने बिना किसी इंडस्ट्री के जो है वो वाइन बनाई, तो विदाउट डिस्टिलेशन में क्या आएगा, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर, ठीक है, ब्रांडी, रम और विस्की, बाकी के जो बचे, ठीक है, बाकी के जितने भी बचे, बाकी के और भी बचे कि कोई और भी याद आ रहा हो, ठीक है, देसी देसी दारू, ये वारू, वो सारी विथ डिस्टिलेशन रख देना, सारी की सारी। आ रही बात समझ में? सिर्फ वाइन और बियर को आप विथाउट डिस्टिलेशन रखना, ठीक है, वाइन और बियर, और बियर को बेटा, ये वाइन बहुत अच्छी होती है ना, वाइन बियर ये जो है काफी इस्तेमाल होती है, ये तो नॉर्मल है ये, और बेटा यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत चलती है ये, बेटा वाइन तो बहुत पी जाती है यूरोपियन कंट्रीज में, खाना खाना खाने के बाद उनको वाइन चाहिए ही चाहिए होती है, हर घर में उनको वाइन लगती है बेटा, खाना खाने के बाद अच्छी होती है बेटा ये वाइन, थोड़ा बहुत पीनी चाहिए, है ना, तुम्हें तुम्हें नहीं पीनी है, ठीक है, अपन के उसमें नहीं है, तुम तो फिर बाल्टी भर भर के पीने लगोगे, तो इसलिए मत पियो, वो बिल्कुल उनको बस
बचपन से हैबिट होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी लेते हैं बिल्कुल, ज्यादा मात्रा में नहीं, ठीक है ठीक है। तो तुम लोगों के लिए नहीं है वो, लोग पीते हैं और थोड़ा सही भी रहता है। वाइन जो होती है, बियर वगैरह तुमने सुना होगा, स्टोन्स वगैरह जो होती है, स्टोन्स जो होते हैं उनको जो है उसके लिए वाइन वगैरह ज्यादा अच्छी रहती है। जो किडनी स्टोन होते हैं ना, वो पथरी जो होती है किडनी में पथरी, वो अपने आप जो है वाइन पीने से जो है ठीक हो जाती है, तुमने सुना भी होगा ये बात। तो कई जगह पर ये सही है, वाइन पीना बियर पीना थोड़ा बहुत पी ले सकते हो, ज्यादा लेने से बहुत ज्यादा नुकसान है, ज्यादा नुकसान है ठीक है, फायदे कम ज्यादा नुकसान हो जाते हैं फिर ज्यादा लेने से इसको, इसलिए ना पियो ज्यादा अच्छा है ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, बियर क्या पी रहा है, वाइन पी रहा है ठीक है। और अगर अगर बियर वाइन पी रहा है तो जरूर वो इंडस्ट्रीज से तो लाया नहीं होगा ठीक है, इंडस्ट्रीज में तो उसने डिस्टिलेशन कराया नहीं होगा, क्योंकि भालू कैसे डिस्टिलेशन कराएगा उसका, भालू वाइन का कैसे डिस्टिलेशन कराएगा, नहीं करा सक करेगा ना। तो वाइन जो है पी रहा है बढ़िया, बिना किसी इंडस्ट्री में जा करके ठीक है, वाइन पी रहा है बियर, तो ये बात ध्यान रखना, बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन होता है। बाकी सारी जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, ब्रांडी रम देसी वेसी जो भी याद आ रहा हो, वो विदाउट विद डिस्टिलेशन में रख देना ठीक है। क्लियर है ये बात? चढ़ेगी किस में ज्यादा, वाइन में, बियर में, ब्रांडी रम और विस्की में किस में ज्यादा चढ़ेगी मुझे बात बताओ। तो जिसमें एल्कोहल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ठीक है, एल्कोहल की कंसेंट्रेशन, हाँ एल्कोहल की कंसेंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, जिसमें डिस्टिलेशन हो रखा होगा, तभी तो एल्कोहल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है ठीक है, जिसमें एल्कोहल की कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाती है। तो ब्रांडी में ज्यादा एल्कोहल की मात्रा है, रम में ज्यादा एल्कोहल की मात्रा है, विस्की में ज्यादा एल्कोहल की मात्रा है, तो इसमें ज्यादा चढ़ेगी भाई ठीक है। ये आप जो कंटेनर देख रहे हैं बड़े बड़े, जो आप बड़े बड़े कंटेनर देख रहे हैं, ये आपको इंडस्ट्रीज में देखेंगे ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री, ब्रूअरी, जो ब्रूअरी इंडस्ट्री है ना, ब्रूइंग इंडस्ट्री ठीक है, जहां पर एल्कोहल बनता है वहां पर आपको इस तरीके के कंटेनर दिखेंगे ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिखेंगे ठीक है, इस तरीके के कंटेनर ठीक है। ये कहलाए जाते हैं फर्मेंटर्स, इन बड़े बड़े कंटेनर को क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं ठीक है। और देख लो बिल्कुल पैक है ऊपर से, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो एल्कोहल होती है वो जो ऐसे तो है नहीं है कि जो छोटे छोटे जो है बर्तनों में बनेगी घर जैसे, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं, बड़े बड़े वहां पर बर्तन होंगे इंडस्ट्रीज में, ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल बननी है ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ज्यादा मात्रा में एल्कोहल बननी है, बड़े बड़े कंटेनर होंगे ठीक है। आ रही बात समझ में, तो वो कहलाएंगे फर्मेंटर्स बेटा, क्या कहलाए जाएंगे, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स होते हैं लार्ज वेसल्स, जिनमें इनमें क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटर्स में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ठीक है, फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है ठीक है। इन्हीं कंटेनर्स के अंदर फर्मेंटेशन भी होता है, डिस्टिलेशन भी होता है, ये बात ध्यान रखना, इन्हीं कंटेनर के अंदर ठीक है, अल्कोहल जो है बनती भी है ठीक है, और फिर उसका फिर डिस्टिलेशन भी होता है, पानी उसमें से निकाला भी जाता है ठीक है, वाटर को रिमूव किया जाता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, वाटर को रिमूव करना। आ रही बात समझ में, चलो बेटा ये जो है आप देखो फोटो दिख रही है आपको बेटा, ये ब्रांडी है बेटा ये ठीक है, मॉर्फियस की ठीक है। आ रही बात समझ में, ये ब्रांडी है ठीक है, और बेटा ये है वाइन ठीक है। आ रही बात समझ में, आपको एक डिफरेंस बता दे वाइन और उसमें, वाइन जो है ये जो वाइन है विदाउट डिस्टिलेशन बनती है ये ठीक है, और ये जो ब्रांडी है इसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, और ये जो है डिस्टिलेशन से बनती है, ये विथाउट डिस्टिलेशन बनती है, मैंने आपको बताया था ये विथाउट डिस्टिलेशन बनती है, और ये बेटा विथ डिस्टिलेशन बनती है ये ठीक है, विथ डिस्टिलेशन ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो अब जो है अपन क्या पढ़ रहे हैं ठीक है, केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर एक्टिव मॉलिक्यूल ठीक है। केमिकल्स पढ़ेंगे जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, केमिकल्स पढ़ेंगे जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं ठीक है। तो सुनना कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं ठीक है। देखो अपन जो है माइक्रोब से कौन कौन से बनाते हैं, तो माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, फंगस बैक्टीरिया वगैरह है ना, तो यही होते हैं ज्यादातर माइक्रोब्स है ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, फंगस हुए बैक्टीरिया हुए, इनसे अपन क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, तो इस बात को समझना। देखो सबसे पहले अपन ने, आपको याद होगा सबसे पहले जो लैक्टोबैसिलस होता है, या बेटा जैसे अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं,
याद है जो दही में मिलता है बेटा, दही में है ना, तो जो दही में जो बैक्टीरिया होता है वो एक बैक्टीरिया होता है ना, क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, यस और नो? ये अपन पढ़ चुके हैं सबसे पहले, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा कि लैक्टोबैसिलस जो है या लैब जो है, ठीक है, वो क्या बनाता है, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नाम ही बेटा, नाम ही इसका बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, अरे सीधी बात है यार, लैक्टिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, आदिवासियों में नाम में ही छुपा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये भी लिखा हुआ है कि हम बैक्टीरिया है, सब कुछ लिखा हुआ है नाम में, सब कुछ नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाएंगे और खुद एक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी बात, इन्हें लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, ये वाला तो पॉइंट याद हो जाएगा तुम्हें। दूसरा पॉइंट बेटा याद है, अभी अभी बनाया अपन ने अल्कोहल, याद है, भूल तो नहीं गए, अल्कोहल किसकी मदद से बनाया, याद है, ईस्ट की मदद से, ईस्ट क्या है, एक प्रकार की फंगस है, याद रखना, ईस्ट क्या, एक प्रकार की फंगस है, और ईस्ट का नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्वीसियाई, सैकेरोमाइसिस सर्वीसियाई, ठीक है, आर्यवर्त में, तो ये सैकेरोमाइसिस सर्वीसियाई जो है क्या बनाएगी, इथेनॉल बनाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट क्या बनाएगी, इथेनॉल बनाती है, अल्कोहल बनाती है, इथेनॉल यानी अल्कोहल, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट भी याद हो जाएगा, देखो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या बनाएगा, ब्यूटिक एसिड, बेटा नाम से ही देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको, या ऐसे याद रखोगे, ब्यूटा है ना, ब्यूटी, ब्यूटी यानी ब्यूटिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड बेटा, ब्यूट्रिक एसिड, एक एसिड होता है ये, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटी से क्या समझ में आ रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक है, नाम सुना होगा तुमने, एसिटिक एसिड, याद है एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हो गए एसिटिक एसिड, वो एसिटिक एसिड किससे बनता है, बैक्टीरिया से बना सकते हो आप, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये याद हो गया, ये वाले भी चार हो जाएंगे, ठीक है, तो इससे पढ़ लेना, एसिटी से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, ब्यूटिलिकम से क्या बनेगा, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये वाले दोनों भी याद हो जाएंगे आपको। अब बात आई एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, इससे बनता है सिट्रिक एसिड, ये थोड़ा तुम्हें दिक्कत दे सकता है यार, ये कैसे याद करें सर, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली कहानी है इसकी, तो भाई इसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैसे लिखोगे इसको सुनना ढंग से, कैसे करोगे इसको, देखो आप ऐसे याद रखो, इसकी की स्टोरी है बेटा, नाइजेरिया जानते हो, नाइजेरिया, नाइजेरिया जो है, नाइजेरिया में जो है एक ऐसी कंट्री होती है, नाइजेरिया, नाइजेरिया क्या है, एक ऐसी कंट्री है, पता है नाइजेरिया, ठीक है, तो नाइजेरिया जो होती है उसमें क्या है, ऐसा मान के चलो कि नदी जो है वहां पर, नाइजेरिया की जो नदी है वो लेमन की नदी बह रही है, नाइजेरिया में किसकी नदी बह रही है, लेमन की नदी बह रही है, ठीक है, नाइजेरिया एक कंट्री का नाम है, ठीक है, तो नाइजेरिया यानी नाइगर, नाइजेरिया यानी नाइगर, ऐसे याद रखना, ये एक प्रकार की फंगस होती है बेटा नाइजेरिया, ठीक है, नाइजेरिया जो है एक प्रकार की फंगस है, ठीक है, नाइगर, एस्परजिलस नाइगर फंगस है ये, और ये नाइजेरिया में क्या बह रही है, ठीक है, नाइजेरिया क्या है, कंट्री है, तो याद रखना नाइजेरिया क्या है, कंट्री है, यानी सी, सी यानी याद रखना सिट्रिक एसिड, ऐसे याद कर लेना, और फिर ऐसे या फिर ऐसे याद रखना लेमन, ठीक है, नाइजेरिया में किसकी नदी बह रही है, लेमन की है ना, लेमन की नदी बह रही है ना, लेमन, तो लेमन में क्या होता है, लेमन में एक्चुअल में सिट्रिक एसिड होता है बेटा, लेमन क्यों खट्टे होते हैं, क्योंकि तो सिट्रिक एसिड होता है, जितने भी खट्टे जो होते हैं पदार्थ, जितने जैसे ऑरेंज हुआ खट्टा लगता है, मतलब खट्टा खट्टा लगता है ना, तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, इमली में थोड़ा होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, और इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, जो खट्टे जो जूस होते हैं, लेमन जूस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, जो ये खट्टे होते हैं थोड़े, इनमें विटामिन सी खूब भर भर के होता है, विटामिन सी, ठीक है, इन जूसों के अंदर होता है भर भर के विटामिन सी, ठीक है, और ये इनमें क्या होता है, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, और आप जो खट्टे और कौन सा होता है लेमन के साथ साथ, ऑरेंज, ऑरेंज में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, नाइजेरिया में क्या मिलेगा,
लेमन मिलेगा। लेमन में क्या होता है एक्चुअल में? सिट्रिक एसिड। नाइजीरिया में लेमन की नदी बहेगी, ठीक है, लेमन की नदी बह रही है और नाइजीरिया में एक्चुअल में क्या होगा, नाइगर, क्या नाइगर में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा, क्योंकि लेमन क्या है, लेमन से सिट्रिक एसिड बनता है, मतलब लेमन के अंदर ही सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अरिवा स्वयं में या फिर ऐसे याद रख सकते हो, नाइजीरिया क्या है, कंट्री है, तो सी फॉर सिट्रिक एसिड, सी फॉर सिट्रिक एसिड और एन फॉर नाइगेरिया, नाइगेरिया क्या है, नाइगर, नाइगेरिया यानी नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस का नाम, जो कि क्या है, एक फंगस का नाम है। क्लियर हुआ? ठीक है, आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई या ईस्ट एक फंगस है और एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, बाकी सारे क्या है, बैक्टीरिया है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा तुम लोगों को एक बात बताता हूं, लैक्टिक एसिड जो होता है ये कौन बनाता है, लैब बैक्टीरिया बनाते हैं, कौन बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, दही के अंदर, कहाँ पर मिलते हैं, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भर भर के हैं। अच्छा क्या हमारे शरीर के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है क्या, कहीं कोई बता सकता है क्या, हमारे शरीर के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बनता है, कहाँ बनता है, मसल्स में। अच्छा कभी आप सुनना, आप भाग रहे हो, धड़ 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 भाग, मिलकर भाग हो रहे हो बिल्कुल आप, है ना, भागते जा रहे हो, 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 तो कभी थकोगे, दर्द होता है, पेन होता है आपके, यार मैं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग पा रहा, मुझे मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मसल्स में क्यों दर्द होता है पता है इस बात को, क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स के अंदर, इसलिए जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दर्द होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लैक्टिक एसिड तो सर मसल्स बना रहे है ना, तो यहाँ पर मसल्स लिखे हैं सर, मसल्स बना रहे लैक्टिक एसिड, नहीं बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है हमें, नाम सुनो अपन का टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो क्या यहाँ जो थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स से, नहीं क्या यहाँ से निकाल करके बना लोगे क्या लैक्टिक एसिड, नहीं बना सकते है ना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, बड़े लेवल प्रोडक्शन करना है अपन को, तो बड़े लेवल में प्रोडक्शन करना है तो आपको बैक्टीरिया लेने पड़ेंगे जो दही में मिलते हैं, जिनका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, डेटा नॉट डिस्टिल्ड बेवरेजेस, डेटा नॉट डिस्टिल्ड, जो डिस्टिल्ड नहीं है, ठीक है, जो डिस्टिल्ड नहीं है, ठीक है, डिस्टिलेशन से नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो मैं आपको बताया था बियर जो है वाइन लेकर के घूम रहा है, ठीक है, जो कि उसने डिस्टिलेशन करके नहीं बनाई है ना, तो बियर जो है वाइन लेकर के घूम रहा है, तो जो कि उसने डिस्टिलेशन नहीं करवाई है, नॉट डिस्टिलेशन, ठीक है, तो भाई बियर वाइन लेकर के घूम रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है, क्लियर है। देखो सुनो, ये नेम द, देखो ये बता लिखा हुआ है, लार्ज स्केल में जब लार्ज स्केल में जब माइक्रोब्स को ग्रो करना हो, ईस्ट को ग्रो करना हो, तो आप क्या लोगे, या अल्कोहल बनाना हो या डिस्टिलेशन करना हो, ठीक है, तो आप जो है क्या लोगे, फर्मेंटर्स के लोगे, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में क्या लोगे, फर्मेंटर, ऐसे घूम करके आ सकता है भाई क्वेश्चन, ये भी आ सकता है कि डिस्टिलेशन करानी हो, ठीक है, या जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कराना हो तो क्या यूज किया जाता है, फर्मेंटर्स, ठीक है, तो लेकिन कई बार घुमा कर ये क्वेश्चन आ सकता है, भैया अल्कोहल कैसे बनी थी, माइक्रोब्स को ग्रो कर कर ही तो बनी थी, माइक्रोब ईस्ट को अपन ने ग्रो कराया था, याद करो वीट पर, बार्ली पर अपन ने ईस्ट को ग्रो करवाया था भर भर के, फिर ईस्ट ने जो अल्कोहल बनाया था भर भर के, है ना, तो ये ऐसे करके घुमा कर ये क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये बात पूछी जा रही है, सुनो कि भाई क्या पूछा, नेम द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस, क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस, क्या लिखोगे भाई, सिट्रिक एसिड, याद है एस्परजिलस नाइगर, नाइगर से याद है नाइजीरिया, नाइजीरिया क्या होती है, कंट्री होती है, नाइजीरिया, नाइजीरिया क्या होती है, कंट्री होती है, कंट्री यानी सिट्रिक एसिड, सी से याद रखना यानी सिट्रिक एसिड, ऐसे याद कर लो, या नाइजीरिया में जो है लेमन जूस की नदी बह रही है, लेमन की नदी बह रही है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
ठीक है, सिट्रिक एसिड, क्लियर है ये बात। चलो और एसिटिक एसिड, नेम द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, क्या आएगा? एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। घुमा करके क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है ये पूछे कि एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या बनता है एसिटिक एसिड, नहीं, घुमा करके भी आ सकता है। एसिटिक एसिड से क्या बनता है एसिटिक एसिड किससे बनता है? डिफिकल्ट ये होता है नाम याद करना, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ऐसे याद रखना भाई, दोनों तरफ से याद करना अपन को, ठीक है, क्लियर है। चलो ब्यूट्रिक एसिड से क्या बनता है? ब्यूट्रिक एसिड, तीनों याद कर लेना भाई ये, ठीक है, तीनों याद कर लेना ये, ठीक है, ये ठीक है। चलो उल्टे करके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी टू डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड अल्कोहल बेवरेजेस, तो डिस्टिल्ड से कौन से बनते हैं बताओ भाई? विस्की और विस्की रम और ब्रांडी, ये डिस्टिलेशन से बनते हैं, जबकि बियर और वाइन अनडिस्टिलेशन से बनते हैं, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।